आज हम देखेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक आईपीओ जिसको भी मिला है पहले तो उसको बताइयो, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जो भी जिसको मतलब स्टॉक आईपीओ मिला है वो लगभग 140% के प्रॉफिट में है, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। कुछ ये स्टॉक है, ठीक है, इसका ऑब्वियस मंथली टाइम फ्रेम तो आएगा ना, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा स्टॉक है, ठीक है, 1200 के करीब लिस्ट हुआ, ऊपर गया 1400 तक, फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका प्राइस 450 का कट ऑफ लगा था आई थिंक, ठीक है, तो आपको लगभग 140% रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका सही प्राइस क्या है, ठीक है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, और आपका नज़रिया क्या है सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब अच्छे वाले इन्वेस्टर, ठीक है, फालतू वाले नहीं, 1 साल के अंदर निकाल लिए, 2 साल के अंदर घुसा दिया, ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। लंबा मतलब कम से कम 10 से 15 साल का व्यू, कम से कम, ठीक है, मतलब एक बड़ा पोर्टफोलियो था ना, पूरी उम्र रखना है वो वाला, ठीक है। अगर आप उसमें हैं और आपका आईपीओ लगा है तो आप रखकर भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं लगा है आईपीओ, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसका कुछ सही प्राइस आए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप इसका प्राइस हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना बनेगा, ठीक है। ये वैसे कुछ ऐसे टेक्निकल से इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अगर ट्राई करूं तो ये लगभग इतना आ रहा है, ठीक है मतलब ये 1000 रुपये के अगर नीचे मिलेगा ना आपको स्टॉक, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। रीज़न अगर मैं बोलूं, ये तो मैंने फालतू एक लाइन मार दिया, ठीक है, कहने का मतलब जो इसका अनलिस्टेड स्टॉक, एक अनलिस्टेड स्टॉक होते हैं ना, ये इसका अनलिस्टेड स्टॉक का प्राइस लोगों ने 950 रुपये के करीब खरीदा था, मतलब 900 950 के करीब अगर आपको मिलता है तो मतलब काफ़ी अच्छा प्राइस है, चाहे ये 600 भी छू कर आ जाए, लेकिन घबराना नहीं, आगे ये बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका स्क्रीनर, टाटा टेक्नोलॉजी स्क्रीनर, ठीक है। अभी टाटा टेक्नोलॉजी स्क्रीनर में क्या देखेंगे, इसका पी रेशो 79 है, ठीक है, ये देखिए 79 पी रेशो यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए काफ़ी हाई है, ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है, ये तो अच्छा हुआ इधर से गिरा है, ठीक है, और भी गिरेगा। पहले इसके कुछ पीयर्स देखते हैं, पीयर्स ये देखिए, इसके जो पीयर्स हैं उसमें देखिए 66 79 49 83 48 19, तो उसके कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आज 7% गिरा है, आगे भी गिर सकता है, अगर इन केस ये यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला लेवल 1348, ठीक है, ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हैं। रीज़न क्या रहेगा, मे बी ये अभी जल्दी सीन में ना आए गिरने के लिए, क्यों, अगर कुछ कुछ किसने बाय कर लिया और ये कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न या कुछ अच्छा पैटर्न, टेक्निकल जो प्राइस एक्शन बोलते हैं, वैसे बना कर गया तो काफ़ी अच्छा आगे प्रॉफिट दे सकता है, और बाद में आप कुछ प्रॉफिट बुक करके फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक ही कुछ ऐसा कि आपको लंबा नज़रिया सोचना चाहिए बाय करने के लिए, और बाकी इसका इन्वेस्टर्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बैलेंस शीट तो अच्छी है ही, ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस भी ठीक है, बाकी सब अच्छा ही है इस कंपनी में, ठीक है फिलहाल, ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि मैं इस अपना ट्रेडिंग व्यू पे भी हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी स्टॉक एनालाइज करता रहता हूँ, ठीक है, आप भी देख सकते हैं इसका मेरा एनालिसिस, डेल्टा कोप का एनालिसिस है जो मैंने अभी लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, ठीक है, अभी ये नहीं पता बढ़ा है या नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे बढ़ा है मैंने देखा भी नहीं ना मैंने बाय किया, ऑब्वियसली ये बढ़ा है, ठीक है, अभी जैसे ये हिंदुस्तान का ये भी बढ़ा होगा, ठीक है, ये अभी हुआ नहीं तो ये फट सकता है जल्दी, ठीक है। ऐसे ही बाकी स्टॉक हैं, सागर दीप, होनासा, होनासा का तो मैंने बोला था मामा अर्थ जो आपको मामू ना बना दे, क्योंकि इन्होंने ओवर सप्लाई में अपना प्रोडक्ट अपने
डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया, ठीक है। उसे तकलीफ हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने ये कम सेल करें, ठीक है। ये देखिए उसके कारण ही कंटिन्यूस किया है, न्यूज़ था, ठीक है, फेक है जो भी है वो आप देखिए, ठीक है। बाइक, जो ये बाइक था ये मैंने बाइक के लिए बोला था, बाइक के मतलब कहने का मतलब आप एनालिसिस रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पैसा लगाया तो आपको कैसे बोल दूँ। बस कुछ स्टॉक्स जो हिट अपने उस पे आए, क्या बोलते हैं, मेरी नज़र में है तो बस वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी स्टॉक पोस्ट करता रहता हूँ। और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, X.com पे, ठीक है। ये मेरा आईडी है, ठीक है, Saurav0981 आई थिंक, ये देखिए Saurav0981, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में खुलवाइए। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए।